हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो एम्पिरिसिज्म सीरीज का ये सेकंड लेक्चर है जिसमें हम बर्कले को डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जॉन लॉक। तो एम्पिरिसिज्म्स को अगर ऐसे एपिस्टेमोलॉजिकल स्कूल देखा जाए तो ये एक्सपीरियंस को अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं। तो अगर हम पर्टिकुलरली लॉक की बात करते हैं तो मतलब लॉक से बर्कले काफ़ी बेटर है, क्योंकि अगर हम लॉक को देखें तो लॉक मतलब एक्सपीरियंस का इतना ज़्यादा यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं जितना वो मतलब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मतलब हम अगर नॉलेज की बात करें लॉक के अकॉर्डिंग, तो लॉक तीन टाइप्स के नॉलेज की बात करते हैं, एम्पिरिकल नॉलेज, इंट्यूटिव नॉलेज और डिमॉन्स्ट्रेटिव नॉलेज। एम्पिरिकल नॉलेज तो हो गया जो मतलब फाइव सेंस ऑर्गन से आ रहा है, इट्स ओके, वो एम्पिरिसिस्ट है और वो एम्पिरिकल नॉलेज को मान रहा है। बट वैन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ सेल्फ, हु एम आई, तो बर्कले कहते हैं कि सेल्फ का नॉलेज इंट्यूशन से आता है, मतलब वो इंट्यूटिव नॉलेज है। एंड वेन इट कम्स टू गॉड, तो बर्कले कहते हैं कि जो गॉड का नॉलेज है वो डिमॉन्स्ट्रेशन से आ रहा है, मतलब डिमॉन्स्ट्रेटिव नॉलेज है। गॉड का नॉलेज जो किस में आता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव नॉलेज में, मतलब थ्रू डिमॉन्स्ट्रेशन हम जानते हैं कि भगवान है। तो अब जो डिमॉन्स्ट्रेशन है और जो इंट्यूशन है, अगर आप पर्टिकुलर इन दो मतलब नॉलेज की बात करें, जो दो टाइप्स के नॉलेज लॉक डिस्कस कर रहे हैं, तो ये दोनों जो हैं वो रैशनलिस्ट इसको सपोर्ट करते हैं। मतलब एम्पिरिसिज्म में आपको इंट्यूशन कहाँ से आ गया, डिमॉन्स्ट्रेशन कहाँ से आ गया, क्योंकि जो एम्पिरिसिज्म है उसका सिंपल सा मतलब एक्सपीरियंस, आप इंट्यूशन और डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब आपको यूज नहीं करना चाहिए। तो अगर हम बर्कले की बात करें अब, तो बर्कले इज फार बेटर देन लॉक, क्योंकि बर्कले सिर्फ एक्सपीरियंस की बात कर रहा है यहाँ पे, एक्सपीरियंस की। तो मतलब वो सेम रहेगा, जैसे मतलब लॉक बात करते हैं कि जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, दो टाइप का होता है, सेंसेशंस है, रिफ्लेक्शंस। तो बर्कले इस चीज़ को मानते हैं कि जो सारा नॉलेज है ये कहाँ से आता है, सेंसेशन से, परसेप्शन जिसको हम कह सकते हैं। सो बेसिकली अगर हम फिलासफी पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे एक ही बेसिक प्रॉब्लम रहेगी। एपिस्टेमोलॉजी को तो बर्कले ने ज़्यादा डिफाइन नहीं किया है, मतलब ज़्यादा काम नहीं किया है इस पर देखा जाएगा तो, क्योंकि वो एक्चुअल में जिस तरह से लैबनीज ने स्पिनोजा पे अटैक किया, स्पिनोजा ने डिकार्ट्स पे अटैक किया, मतलब प्रॉब्लम्स डिकार्ट्स ने दी है, देन उसको स्पिनोजा ने क्रिटिसाइज किया था, देन उसको लैबनीज ने क्रिटिसाइज किया था, उसी टाइप से प्रॉब्लम जॉन लॉक ने दी। एम्पिरिसिज्म्स जो मतलब जो एक बे थी, टेक्निक थी, वो डिस्कस जो प्रॉब्लम डिस्कस करना, मतलब अपिस्मिक बे में, एम्पिरिकल बे में चीज़ों को देखना, वो लॉक ने शुरू किया था। बट जो लाइन शुरू हो रही है वो बर्कले इसको चैलेंज कर रहे हैं अब लॉक को, कि जो आपका देखने का तरीका है वर्ल्ड को, एक्सपीरियंस से आप जो चीज़ों को डिफेंड कर रहे हैं वो लॉजिकल नहीं है। तो मतलब जो बर्कले का मेन प्रॉब्लम हम अगर देखें तो वो प्रॉब्लम ऑफ सब्सटेंस रहेगी यहाँ पे, प्रॉब्लम ऑफ रियलिटी, मेटाफिजिकल थ्योरी की बात करेंगे मतलब हम। तो रूट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ऑफ सब्सटेंस। अब लॉक की बात करें तो लॉक ने मटेरियलिज्म डेवलप कर दिया, क्या डेवलप कर दिया, मटेरियलिज्म्स, इवन साथ में रियलिज्म भी डेवलप हो चुका है वहां पे। अब रियलिज्म का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि रियलिटी माइंड इंडिपेंडेंट है। यार आप एक्सपीरियंस को जब सोर्स ऑफ नॉलेज मान रहे हो, आपको क्या जरूरत है ये बोलने की, आप एक्सपीरियंस के बियॉन्ड क्यों जा रहे हो, क्योंकि रियलिज्म जो है वो आपको एक्सपीरियंस से बियॉन्ड लेके जा रहा है। अगर आप एम्पिरिसिस्ट हो इन स्ट्रिक्ट सेंस, अगर आप एक्सपीरियंस को सोर्स ऑफ नॉलेज मान रहे हो, अगर आप फिलोसफर हो, अगर आपको अपनी पोजिशन डिफेंड करनी है, तो आप एक्सपीरियंस के बियॉन्ड क्यों जा रहे हो, आप उसी चीज को डिफेंड करिए ना जितना एक्सपीरियंस से आप जान सकते हो। आपको ये क्या बोलने की जरूरत है कि जो रियलिटी है वो हमें समझ में नहीं आती है, वो माइंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करती है, तो रियलिज्म है और डेफिनेटली मैटर भी होता होगा। जैसे मतलब लॉक की अगर सब्सटेंस की डेफिनेशन देखा जाए तो वो उसने सब्सटेंस को कैसे डिफाइन किया है, सब्सटेंस इज समथिंग आई नो नॉट वट, आई नो नॉट वट कि मैं नहीं जानता वो क्या है, बट वो डेफिनेटली है, क्योंकि प्राइमरी क्वालिटीज जो हैं वो हैंग थोड़ी कर रही हैं हवा में, कोई चीज़ तो होगी ना जो प्राइमरी क्वालिटीज पोसेस की हुई हैं, जिसने होल्ड की हुई हैं, मतलब सेकेंडरी क्वालिटीज लॉक के अकॉर्डिंग परसीवर पे डिपेंड करती हैं, जैसे कलर, टेस्ट, स्मेल, साउंड, टच, ये परसीवर पे डिपेंड करती है देखने वाले पे। बट प्राइमरी क्वालिटीज किसकी होती हैं, ऑब्जेक्ट की, और ऑब्जेक्ट क्या है वो पता ही नहीं बोल रहा है, क्या बोला उसने, आई नो नॉट वट, कि मुझे नहीं पता क्या है। तो इस तरह से आप कहाँ लेके जा रहे हैं मतलब फिलोसफी को, बर्कले लॉक को पूछ रहा है। तो अब बर्कले का जो मतलब मेन एम है बींग एन एम्पिरिसिस्ट, वो क्या क्लेम कर रहे हैं कि जो हमारा सारा नॉलेज है ये सेंसरी क्वालिटीज पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, सेंसरी क्वालिटीज पे, हम सिर्फ उन्हीं चीजों को जान सकते हैं जिनको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो बर्कले ये कह रहे हैं कि मतलब
वी नेवर एक्सपीरियंस मटेरियल सब्सटेंस, वी ओनली एक्सपीरियंस क्वालिटीज, वो भी सेकेंडरी क्वालिटीज। अगर बात करें कलर देखते हैं हम, टेस्ट देखते हैं, स्मेल देखते हैं, जिनको हम फाइव सेंस ऑर्गन्स के थ्रू समझ पाते हैं, तो हमने सब्सटेंस को तो कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मतलब बर्कले बात कर रहे हैं, व्हेन एवर आई परसीव ए ट्री, आई परसीव ए ट्री एज ए सर्टन साइज एंड शेप, आई परसीव द डायमीटर ऑफ द ट्रंक, द लेंथ ऑफ इट्स ब्रांचेस, द ब्राउन कलर ऑफ इट्स ट्रंक एंड ब्रांचेस एंड द ग्रीन कलर ऑफ इट्स लीव्स, आई टच इट्स रफ टेक्चर्स एंड स्मेल इन इट्स वुडी अरोमा, वट आई कैन नेवर परसीव इट्स सब्सटेंस इट्सेल्फ। तो मतलब क्या, जैसे वो बात कर रहे हैं कि मैंने उसका तना देखा, मैंने उसकी पत्तियाँ देखी, मैंने उसका साइज देखा, शेप देखी, टहनियाँ देखी, तो आप यही चीज़ें देखते हो ना जब आप देखते हो चीज़ों को। आपने सब्सटेंस कब देखा मुझे बताइए। अब हम बात कर रहे हैं एम्पिरिसिज्म की, ये एक एपिस्टेमोलॉजिकल स्कूल है। अगर हम लॉजिकली देखा जाए तो हमें एक्सपीरियंस के बियॉन्ड नहीं जाना है, हमने चीज़ों को एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही देखना है, तब जाके आप एम्पिरिसिज्म को समझ पाएंगे। अगर आप एक्सपीरियंस के बियॉन्ड जा रहे हैं, मतलब रीजन का यूज़ कर रहे हैं, तो आप मतलब एम्पिरिसिज्म के अकॉर्डिंग नहीं देख रहे, आप एम्पिरिसिज्म को नहीं समझ पा रहे हैं। वो बर्कले शायद लॉक को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने ये गलत किया है, तो बर्कले अब जो स्ट्रिक्टली एम्पिरिसिज्म को फॉलो कर रहे हैं, एक्सपीरियंस को फॉलो कर रहे हैं। तो मतलब इस तरह से बर्कले क्या बोलता है कि ऑल दैट आई हैव परसीव्ड ऑफ द ट्रीज आर इट्स क्वालिटीज, कि मैंने जो एक पेड़ देखा, पौधा देखा, मैंने सिर्फ उसकी क्वालिटीज देखी हैं, सो आई हैव नो परसेप्शन ऑफ ए सब्सटेंस, मैंने मुझे सब्सटेंस की परसेप्शन नहीं हो रही है, मुझे सब्सटेंस एक्सपीरियंस नहीं हो रहा, मुझे उसकी क्वालिटीज एक्सपीरियंस हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक ऑब्जेक्ट है उसका जो एग्जिस्टेंस है, एक जो सब्सटेंस है उसका जो एग्जिस्टेंस है, तो बर्कले क्या कंक्लूड करते हैं कि उसका जो एग्जिस्टेंस है सिर्फ देखने पर डिपेंड करता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ फिजिकल सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू बर्कले इज ओनली इन देयर बींग परसीव्ड। तो मतलब कोई चीज एग्जिस्ट ही तभी करेगी अगर वो दिख रही है, क्यों, क्योंकि हमारा जो सारा नॉलेज है कहाँ से आ रहा है, सेंसरी एक्सपीरियंस है। तो आप है भी एम्पिरिसिस्ट, तो एम्पिरिसिस्ट का मतलब क्या होता है कि एक्सपीरियंस को प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज मानना। अगर आप एक्सपीरियंस को प्राइमरी सोर्स मान लेते हो तो मतलब क्या हुआ, आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे जो चीज़ें आपको दिखती हैं। तो बर्कले ने क्या बोल दिया कि जो ऑब्जेक्ट है उनका जो एग्जिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, उनके दिखने पे। अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है वो नहीं है, उसको बस सिंपली डिनाई कर देगा। क्या कर देगा, सिंपली डिनाई। सो अब बर्कले एक यहां पे मतलब फेमस डिक्टम यूज करते हैं, इसे इस्ट परसिपी, दैट स्टैंड फॉर टू बी इज टू बी परसीव्ड, कि अगर कोई चीज है तो उसका जो एग्जिस्टेंस है वो उसके दिखने पे डिपेंड करता है। दैट इज इसे इस्ट परसिपी, टू बी इज टू बी परसीव। सो बर्कले क्लेम दैट इफ एवरीथिंग विच कन्फ्रॉन्ट अस इज एन आइडिया, क्योंकि आप जब सेंस मतलब जब सेंस एक्सपीरियंस करते हो तो आपके दिमाग में क्या आते हैं, आइडियाज। तो बर्कले बोल रहे हैं कि अगर हम जो चीज़ें सारी देख रहे हैं वो सिर्फ आइडियाज ही हैं, तो देन द प्रिंसिपल ऑफ एग्जिस्टेंस मस्ट बी फाउंड इन द नेचर ऑफ आइडियाज, कि अगर आप जो चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो आपके पास सिर्फ आइडियाज हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है और जिनका एग्जिस्टेंस है वो भी क्या है, आइडियल फॉर्म में है, आइडियाज की फॉर्म में ही हो सकता है। इट इज ऑब्सर्ड, इट इज इलॉजिकल हाउएवर टू थिंक ऑफ आइडियाज एज एग्जिस्टिंग आउटसाइड द माइंड। तो मतलब बोलते हैं ये तो इलॉजिकल हो जाएगा अगर आप ये मान के चलें कि रियलिटी सिर्फ आइडियाज हैं, हमें दिखते सिर्फ आइडियाज हैं, और जो आइडियाज हैं वो बाहर एग्जिस्ट करते हैं। डेफिनेटली अगर मतलब जो हमें सेंस एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो आइडियाज है, तो आइडियाज एग्जिस्ट कहाँ करेंगे, माइंड में। एंड टू एग्जिस्ट इन ए माइंड इज टू बी परसीव्ड बाय दैट माइंड, तो अगर कोई चीज़ माइंड में एग्जिस्ट करती है तो वो माइंड को परसीव भी होनी चाहिए। तो हेंस नथिंग कैन एग्जिस्ट विच इज नॉट परसीव्ड। तो इसका सीधा सा मतलब हो गया कि वो कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगी अगर वो परसीव्ड नहीं होती है, वो दिखती नहीं है। सो एनी मेटाफिजिकल अशर्शंस दैट कमिट इट्सेल्फ टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एन इम्परसीवेबल थिंग्स इज अब्सर्ड। तो मतलब अगर आप किसी ऐसी चीज का एग्जिस्टेंस मानते हो जो इम्परसेप्टेबल है, जो दिखती नहीं है, तो ये टोटली क्या होगा, इलॉजिकल। सो इन पर्टिकुलर बर्कले थॉट द बिलीफ इन व्हाट ही कॉल्ड मटेरियल सब्सटेंस इज अब्सर्ड,
इट्स इलॉजिकल, दिस टर्म कॉरस्पॉन्ड टू द नो आइडिया एंड देयरफॉर हैज नो सेंस. सो बर्कले कंक्लूड दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ ए थिंग इज डिपेंडिंग ऑन इट्स इन बींग परसीव्ड. तो अगर कोई चीज दिखती नहीं है वो होगी भी नहीं, तो अगर कोई चीज है तो उसका दिखना जरूरी है. क्यों? क्योंकि हमारी जो ह्यूमन माइंड है उसकी लिमिटेशन ये है, हमारा जो नॉलेज है उसकी लिमिटेशन ये है कि वो सेंस ऑर्गन पे डिपेंड करता है. हमें सेंसरी एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, और जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे वो चीज एग्जिस्ट भी नहीं करेगी. तो मतलब किसी चीज का एग्जिस्टेंस जो है वो उसके दिखने पे डिपेंड करता है. नेचुरली अगर कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है तो वो दिखनी भी तो चाहिए ना. क्यों? क्योंकि हम एम्पिरिसिस्ट फिलोसोफर हैं, हम एम्पिरिसिज्म को फॉलो करने वाले लोग हैं, हम एक्सपीरियंस को अथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं. तो अगर आप एक्सपीरियंस को सोर्स ऑफ नॉलेज मानेंगे तो आपको वही चीज़ें दिखनी चाहिए जो चीज़ें दिखती हैं. दिखने का मतलब क्या हुआ? मटेरियल चीज़ें सिर्फ. बट बर्कले क्या बोलते हैं यहाँ पे कि हमें मैटर तो दिखता ही नहीं है, हमें क्या दिखती है? सिर्फ क्वालिटीज़. तो बर्कले ने क्या कर दिया, जो एक ऑब्जेक्ट है उसका जो एग्जिस्टेंस है वो किस में रिड्यूस कर दिया? उसके दिखने पे. दैट इज़ बाई ही कंक्लूड दैट टू बी इज टू बी परसीव्ड. सो अकॉर्डिंग टू बर्कले All knowledge comes from perceptions. That's the first point. आपको याद रखना है. All knowledge comes from perceptions. कि सारा knowledge दिखने से आता है. Perception का मतलब क्या होता है? जब five sense organs आपके object के contact में आते हैं. Then, but we perceive our ideas. So not things in themselves. तो हम जो देखते हैं वो ideas होती हैं. अपने आप में जो चीज़ें होती हैं वो नहीं होती. Things in themselves का मतलब क्या होता है? जो चीज़ें जो physical नहीं हैं. जो मतलब जिनके physical dimension से beyond हैं. So थर्ड पॉइंट क्या है? थिंग्स इन इटसेल्फ मस्ट लाई आउटसाइड द एक्सपीरियंस. तो मतलब जो चीज़ अपने आप में होती है, एक तो वो दिख रही है आपको, एक उसके अपने आप में तो चीज़ कुछ होगी ना. जो चीज़ मतलब आप देख रहे हो, एक ऑब्जेक्ट देख रहे हो, अपने आप में भी वो कुछ होगा. सो द वर्ल्ड कंसिस्ट ओनली ऑफ आइडियाज. तो वो जो अपने आप में है वो क्या होगा? अगर आपको आइडियाज देख रहे हैं तो वो आइडियाज ही होंगे ना. देन माइंड दैट परसीव दोज आइडियाज. तो फिर क्या होगा? अगर वो चीज़ें आइडियाज हैं तो एक वो भी होगा जो माइंड आपको जो परसीव कर रहा है उनको. Then, things only exist in so far as it perceives or is perceived. तो अगर कोई चीज़ नहीं दिखती है वो नहीं होगी. That is the Berkeley point. But he called इसे ist percipi. To be is to be perceived. कि किसी चीज़ का जो existence है उसके दिखने पे depend करता है. अगर कोई चीज़ नहीं दिखती है तो वो exist नहीं करेगी. So according to Berkeley, मतलब जो reality है वो क्या है? Mental है. मतलब जो हमारा सेंसरी एक्सपीरियंस है वो क्या होता है? सब मेंटल. मतलब सेंस डाटा क्या है? मेंटल है. एंड जो फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, हीट एंड कोल्ड आर सेंसेशंस. मतलब गर्म है ठंडा है, एक सेंसेशन है ना. मतलब ग्रेट हीट, अगर ज़्यादा गर्मी होगी तो क्या होगा? ग्रेट हीट इज़ ए पेन. सो पेन मस्ट बी इन ए माइंड, देयरफॉर हीट इज मेंटल. तो मतलब क्या? गर्मी क्या है? दिमागी चीज़ है. ए स्वीट टेस्ट इज़ ए प्लेजर एंड बिटर टेस्ट इज़ ए पेन. मतलब मीठा खाओगे तो मज़ा आता है, अगर कड़वा खाओगे, खट्टा खाओगे तो क्या होगा? पेन होती है. सो एंड प्लेजर एंड पेन आर मेंटल. सो ऑर्डर्स आर ऑल्सो प्लेजेंट्स आर अनप्लेजेंट्स एंड हैंड्स आर मेंटल. तो मतलब सारी चीज़ें क्या हैं? मेंटल हैं. दैट्स पॉइंट टू द फैक्ट दैट ऑल रियलिटी इज इमटेरियल, दैट मेंटल आर स्पिरिचुअल. मतलब मटेरियल नहीं हो सकती. तो मतलब बर्कले एक फेमस एग्जाम्पल देते हैं. मतलब जैसे गुनगुना पानी है, ल्यूकवार्म वाटर ले लेते हैं हम टू मेक हिज पॉइंट क्लियर. तो मतलब बर्कले क्या बोल रहे हैं? सपोज आपने मतलब बाइक चला रहे हैं, एक हाथ आपका पॉकेट में है, एक आप बाइक चला रहे हो और मतलब श्रीनगर में है -8 टेम्परेचर है. तो आपका हाथ एक ठंडा हो जाएगा बिल्कुल, एक गर्म हो जाएगा. आप गुनगुना पानी लो, दोनों हाथ बीच में डाल दो पानी में. मुझे बताओ क्या दोनों हाथों को एक जैसी सेंसेशन होगी? एक हाथ ठंडा है, एक गर्म है. ठंडे पानी को गर्म हाथ में डालोगे उसको तो गर्म लगेगा ही नहीं, और जो पॉकेट में डाला होगा उस वाले हाथ को गर्म लगेगा. तो मतलब क्या? अब जो सेंस पानी क्या है? पानी गर्म और ठंडा थोड़ी है. वो किस पे डिपेंड कर रहा है? सेंसेशन पे. सो इसलिए क्या मतलब जो हमारी सारी सेंसेशंस हैं क्या? मेंटल हैं. ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, हमारे एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है. तो मतलब जो रियलिटी है वो आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है. तो यहीं से मतलब लॉक का जो सब्जेक्टिव आइडियलिज्म है वो भी डेवलप होना शुरू हो जाता है. कि मतलब पर्सन टू पर्सन जो एक्सपीरियंस है वो अलग होगा. तो हम पहले मतलब जैसे लॉ का जो प्राइमरी सेकेंडरी क्वालिटी का डिस्टिंक्शन अगर उसको देखें तो लॉक ने वहां पे क्या कहा हुआ है? तो लॉक क्या कहते हैं कि मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, उसमें प्राइमरी क्वालिटीज होती हैं और सेकेंडरी क्वालिटीज होती हैं. फॉर एग्जांपल जैसे मतलब हम जो आप स्क्रीन पे जो स्लाइड है उसमें अगर देखें तो प्राइमरी क्वालिटीज क्या बताएगी? एक्सटेंशन. और सेकेंडरी क्वालिटीज क्या बताएगी? कलर. तो अकॉर्डिंग टू लॉक जो प्राइमरी क्वालिटीज हैं उनको हम कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाते.
जैसे सॉलिडिटी, एक्सटेंशन, फिगर, मोशन, डैश नंबर्स, इनको हम ट्रू सेंस में कभी समझ नहीं पाते हैं। और जो हम समझते हैं चीज़ को, वो किसके थ्रू समझते हैं? सेकेंडरी क्वालिटीज़ के थ्रू, जैसे कलर, टेस्ट, स्मेल। बट बर्कले लॉक पे अटैक कर रहा अब, आप मतलब सपोज आपके हाथ में फ़ोन है, कलर है ना, कलर की वजह से आपको दिख रहा है फ़ोन, कलर को रिमूव कर दो फ़ोन से। क्या आप, एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? कि कोई चीज़ फिजिकल है और वो स्पेस और टाइम में एग्जिस्ट कर रही है। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? स्पेस और टाइम में जो चीज़ एग्जिस्ट, एक्सटेंड करने का मतलब क्या? स्पेस और टाइम एग्जिस्ट करना। तो आपका फ़ोन स्पेस और टाइम में है, दिख रहा है ना आपको, एक पर्टिकुलर आपके रूम में है, आपके हाथ में है, तो क्या भाई कलर के बिना दिखेगा? फ़ोन ब्लैक कलर का है, ग्रे कलर का, उसका कलर रिमूव कर दो, क्या फ़ोन दिखेगा? अब लॉक का पॉइंट क्या था? कि जो कलर है वो किस पे डिपेंड करता है? देखने वाले पे। कलर ऑब्जेक्ट की क्वालिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि कलर सबका अलग अलग होता है। फ़ोन का तो एक ही कलर होना चाहिए था, अगर होता तो ऐसा तो नहीं है। टेस्ट एप्पल का एक ही जैसा होना चाहिए था, ऐसा तो नहीं है। स्मेल एक जैसी होनी चाहिए थी सबकी, ऑब्जेक्ट की, ऐसा तो नहीं है। तो मतलब स्मेल, कलर, टेस्ट, ये हमारे सेंस ऑर्गन पे डिपेंड करता है। ये हमारे सेंस ऑर्गन डिसाइड करते हैं कि कलर कैसा है। तो इसलिए कलर अगर मेरे पे डिपेंड है, तो क्या एक्सटेंशन अपने आप में एग्जिस्ट कर सकती है? मतलब एक कलरलेस सब्जेक्ट एग्जिस्ट कर सकता है क्या? नहीं। तो मतलब क्या हुआ, जो एक्सटेंशन है वो किस पे डिपेंड करेगी? कलर पे, तभी एक्सटेंशन परसीव होगी। मतलब आपको फ़ोन क्यों दिख रहा है? बिकॉज ऑफ कलर। वो कलर क्यों दिख रहा है? वो आप पे डिपेंड करता है, आपको दिख रहा है, वो आपकी वजह से दिख रहा है। तो मतलब अगर कलर आप पे डिपेंड करता है, तो एक्सटेंशन किस पे डिपेंड करती है? कलर पे। लॉक ने बोला था कलर, एक्सटेंशन इंडिपेंडेंट है, ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी है। बट बर्कले ने क्या कर दिया, एक्सटेंशन को कहाँ रिड्यूस कर दिया? कलर पे। कि जो एक्सटेंशन है उसका एग्जिस्टेंस किस पे डिपेंड है? कलर पे। अगर कलर नहीं होगा तो एक्सटेंशन होगी ही नहीं। तो कलर किस पे डिपेंड है? मेरे पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एप्पल नजर आ रहा है आपको, एप्पल की जो प्राइमरी क्वालिटी है एक्सटेंशन, वो कलर पे डिपेंड है, सेकेंडरी पे, सेकेंडरी मेरे पे डिपेंड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पूरा ऑब्जेक्ट है, जिसका पूरा एग्जिस्टेंस ऑब्जेक्ट का, वो किस पे डिपेंड हो गया? मेरे पे। तो मेरे पास क्या, सिर्फ आइडिया। आपका आइडिया अलग है, मेरा आइडिया अलग है। तो बर्कले की जो थ्योरी है, मेटाफिजिकल थ्योरी, थ्योरी ऑफ रियलिटी जो है, वो कौन सी थ्योरी बन रही है अब? सब्जेक्टिव आइडियलिज्म। हमारे पास सिर्फ आइडियाज है, बट आइडियाज भी कौन सा है? आइडियाज भी कौन सा है? सब्जेक्टिव आइडिया। आपका आइडिया अलग है, मेरा आइडिया अलग है। तो मतलब अल्टीमेट रियलिटी क्या हुई? सब्जेक्टिव आइडियाज। मतलब सिर्फ एक माइंड और उसके आइडियाज ही रियल होते हैं, उसके बियॉन्ड कुछ भी रियल नहीं है। मतलब अगर हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, अगर तो ये जो नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट दी गई है यहाँ पे, तो मतलब क्या, हमें कहते हैं वी परसीव ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स लाइक माउंटेन, बसेस, कार, दिखता है आपको, है ना? वी परसीव ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स, बीच में हाउसेस, होम्स, ह्यूमन बींग्स, माउंटेन्स, दैट इज देन वी परसीव आइडियाज। तो जब आप बस देखते हो, माउंटेन देख रहे हो, आप परसीव क्या करते हो? आइडियाज। क्या बोल रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में बर्कले ने क्या बोला? वी परसीव ऑर्डनरी ऑब्जेक्ट्स, कि हम ऑर्डनरी चीज़ें देखते हैं, हाउस देखते हैं, मैन, वुमेन, एनिमल्स, माउंटेन्स, बसेस। देन क्या बोल रहा है? वी परसीव आइडियाज। जब आप देखते हो किस चीज को, आप क्या देखते हो? आइडियाज। वी परसीव आइडियाज, देयर फॉर कंक्लूजन क्या निकलेगा फिर? तो ऑर्डनरी ऑब्जेक्ट जो है, माउंटेन, बसेस, वो क्या है? आइडियाज। तो इस तरह से बर्कले अपना सब्जेक्टिव आइडियलिज्म डेवलप करते हैं कि जो अल्टीमेट रियलिटी है वो क्या है? मेंटल है, और वो भी क्या है? आइडियाज की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, और वो भी किस फॉर्म में? सब्जेक्टिव फॉर्म में। वो लॉक की वजह से किया है, क्योंकि लॉक ने प्राइमरी और सेकेंडरी क्वालिटी को डिस्टिंक्शन दिया था, जिसमें बोला गया कि सेकेंडरी क्वालिटीज देखने वाले पे डिपेंड करती हैं और प्राइमरी क्वालिटीज ऑब्जेक्ट की होती हैं। बट बर्कले ने लॉक को क्रिटिसाइज किया और ये दिखाने की कोशिश की कि जो प्राइमरी क्वालिटीज हैं उनका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्सटेंशन बिना कलर के दिखेगी ही नहीं। एक्सटेंशन, सॉलिडिटी, फिगर, मोशन, रेस्ट, नंबर्स, ये बिना कलर के पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब बर्कले ने क्या किया, प्राइमरी क्वालिटीज को सेकेंडरी में रिड्यूस कर दिया, और सेकेंडरी किस पे डिपेंड करती? मेरे पे। तो मतलब क्या हुआ, प्राइमरी सेकेंडरी पे डिपेंड है, सेकेंडरी मेरे पे डिपेंड है। तो मतलब प्राइमरी सेकेंडरी दोनों किस पे डिपेंड है? मेरे पे। तो मतलब क्या हुआ, पूरा जो ऑब्जेक्ट है उसका एग्जिस्टेंस ही किस पे डिपेंडेड है? मेरे पे। तो मेरे पास क्या है, सिर्फ आइडियाज। तो आइडियाज कौन से हो गए? सब्जेक्टिव आइडियाज। आपके आइडियाज अलग होंगे, मेरे आइडियाज अलग। तो इस तरह से बर्कले अपनी थ्योरीज ऑफ रियलिटी देते हैं। बट हम बर्कले की बात कर रहे थे, टू बी इज टू बी परसीव्ड, कि जो किसी ऑब्जेक्ट का जो एग्जिस्टेंस है उसके दिखने पे डिपेंड करता है। तो पॉइंट यहाँ पे जो एक और है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ, कि क्या मैं, आप इस रूम में बैठे हो, आपके सामने आपका फ़ोन है, बुक्स हैं, टेबल है,
मतलब जो भी आर्टिफैक्ट्स, जो भी चीज़ें आपके रूम में पड़ी हुई हैं, आप जब इस रूम से बाहर जाओगे तो वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करेंगी क्या? क्योंकि बगले तो ये बोल रहा है कि उनका एग्जिस्टेंस देखने पे डिपेंड करता है, तो जब आप उनको नहीं देख रहे होते हैं तो वो चीज़ें फिर क्या एग्जिस्ट नहीं करती हैं? तो ये प्रॉब्लम बगले को फेस करनी पड़ी थी, तो इसकी वजह से बगले को भी गॉड को मानना पड़ा। तो मतलब गॉड को प्रूव करने के लिए ना बगले ने दो आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, एक तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट थे और एक डायलॉग्स। प्रिंसिपल जो है वो स्टैंडर्ड वर्जन है कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट का, और डायलॉग जो है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एस्टॉनिशिंग आर्ग्यूमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ फिलासफी। मतलब अजीबोगरीब आर्ग्यूमेंट है। अब बर्कले भी एम्पिरिसिस्ट फिलासफर है और वो गॉड को कैसे मान सकता है, क्योंकि गॉड को तो आप एक्सपीरियंस ही नहीं करते हो। बट बर्कले भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए गॉड को लाता है बीच में। क्यों? क्योंकि जब उसने ये बोल दिया कि किसी चीज़ का जो ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस है वो उसके दिखने पर डिपेंड करता है, तो पॉइंट ये राइज हुआ कि जब आप उसको नहीं देख रहे होते हैं तो उसको कौन देख रहा होता है। देन बर्कले क्लेम दैट देर इज ए इनफाइनाइट माइंड, मतलब ह्यूमन माइंड जो है वो फाइनाइट माइंड है। तो गॉड की बात करें वो इनफाइनाइट माइंड है। बर्कले बोला जब आप नहीं देख रहे होते हैं तो वो यूनिवर्सल माइंड देख रहा होता है, तो जो आपने एक बार देख लिया वो एग्जिस्ट करेगा डेफिनेटली। तो मतलब सिर्फ इस चीज़ को डिफेंड करने के लिए बर्कले गॉड को ले आता है, और ये बर्कले मतलब ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि बर्कले अपनी जो एम्पिरिसिस्ट पोजिशन हैं उसको अभी लॉजिकल डिफाइंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि एम्पिरिसिस के लिए गॉड को मानना रीजनेबल नहीं है। तो मतलब अगर माइंड की बात करें तो माइंड बर्कले बोलता कि एक आइडिया नहीं है, माइंड इज नॉट एन आइडिया सिंस इट इज़ नॉट आइडेंटिकल विद एनी ऑफ इट्स कंटेंट। तो मतलब जो माइंड होता है और वो जो आइडियाज़ होता है ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मतलब माइंड आइडियाज़ की तरह नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकते कि माइंड भी एक आइडिया है। इवन इफ वी टेक ऑल द आइडियाज़ फ्रॉम द माइंड यू डू नॉट टेक अवे द माइंड इटसेल्फ। मतलब अगर आप माइंड से सारे आइडियाज़ ले लेते हैं तो भी आप माइंड को नहीं ले सकते। तो माइंड मतलब एक सेपरेट चीज़ है आइडियाज़ के साथ अगर, सो इट इज़ एन अननोवेबल सब्सटिट्यूटम्स। मतलब माइंड जो है और जो सेल्फ और माइंड बोलें एग्जिस्ट अनएक्सपीरियंस्ड। मतलब आप इस चीज़ को एम्पिरिकली प्रूव नहीं कर सकते, वेरीफाई नहीं कर सकते, बट देयर इज माइंड। तो ये थी बर्कले की फिलॉसफी। तो अगर हम सब्जेक्टिव आइडियलिज्म को देखें बर्कले को, तो बर्कले ने क्या बोला हुआ है कि सिर्फ सब्जेक्ट और उसके आइडियाज ही एग्जिस्ट करते हैं, उसके बियॉन्ड कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब अगर उसकी एपिस्टेमोलॉजी को देखा जाए तो मतलब सिंपल रहेगा, थ्योरी ऑफ नॉलेज दैट इज सब्जेक्ट कैन नो नथिंग एब्सेक्ट इट्स ओन आइडियाज, कि एक जो पर्सन है वो सिर्फ अपने आइडियाज को जानता है और उसके बियॉन्ड कुछ नहीं जानता। और अगर उसकी ऑन्टोलॉजिकल पोजीशन देखा जाए, मेटाफिजिकल वे में देखा जाए, तो बर्कले क्या बोलता है दैट नथिंग एग्जिस्ट एक्सेप्ट माइंड एंड देयर आइडियाज, कि सिर्फ माइंड और उसके आइडियाज एग्जिस्ट करते हैं, उसके बियॉन्ड कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। और एपिस्टेमोलॉजी को देखे तो कि सिर्फ हम अपने माइंड और उसके कंटेंट को जान सकते हैं, उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं जान सकते। तो मतलब बर्कले जब गॉड को लाता है ना, तो वो एक एंगल से अपने आप को और भी सेव कर रहा था यहाँ पे। मतलब जो सोलिप्सिसिज्म है, प्रॉब्लम ऑफ सोलिप्सिसिज्म, द व्यू दैट नथिंग इज नोन आर एग्जिस्ट एक्सेप्ट बन ओन सेल्फ एंड द कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब सोलिप्सिसिस्ट जो है वो ये बोलते हैं कि सिर्फ माइंड और उसके आइडियाज एग्जिस्ट करते हैं, उसके बियॉन्ड कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। बट बर्कले ने ऐसा नहीं बोला है, बर्कले बोलता है फाइनाइट माइंड बहुत सारे हैं, मेरी अपनी रियलिटी है और लोगों की अपनी रियलिटी है, और देर इज ए गॉड। तो बर्कले अपने आप को मतलब गॉड को जब ले आता है या अदर फाइनाइट माइंड को मान लेता है कि और भी दिमाग है, मेरा माइंड ही नहीं सिर्फ और भी माइंड्स हैं, तो वो अपने आप को इस प्रॉब्लम से भी सेव कर लेता है। दिस इज ऑल अबाउट बर्कले। और बर्कले की बात करें तो मतलब उसने लॉ का जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था उसको भी क्रिटिसाइज किया था। तो यही मेन कंट्रीब्यूशन है बर्कले का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।